तो भाई अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं AS19 लीजेस। देखो बहुत इजी AS है, इसमें से आप मान लो कि भाई एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है, जनरली क्वेश्चन आता है सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन का या फिर अनर्न लीज इनकम का, अनर्न फाइनेंस इनकम का। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीज का मतलब होता क्या है। तो लीज एक ऐसा अग्रीमेंट है जहाँ पर लेसर क्या करता है अपने एसेट का राइट टू यूज एक दूसरे पर्सन को देता है जिसका नाम होता है लेसी, और उसके बदले में वो उसे एक सीरीज ऑफ पेमेंट लेता है, जिसको अपन कहते हैं लीज पेमेंट। तो अगर एक आम लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब यह है कि आपने एक लेसन ने एक अपने एसेट को किसी दूसरे को किराए पे दे दिया और उसके बदले में उससे जो है किराया वसूल रहा है, इसको अपन कहते हैं जनरली लीज। अब देखो लीज जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लीज। इसमें एक होती है ऑपरेटिंग लीज और एक होती है फाइनेंसिंग लीज। भाई फाइनेंसिंग लीज वो है जिसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ एसेट आर ट्रांसफर्ड टू द लेसी। फाइनेंसिंग लीज एक ऐसी लीज है जहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड एक एसेट के ट्रांसफर हो जाते हैं लेसी को, और ऑपरेटिंग लीज वो है जो फाइनेंसिंग लीज नहीं, ऑपरेटिंग लीज वो है मतलब नॉट अ फाइनेंसिंग लीज। अब पता चलेगा कि भाई फाइनेंसिंग लीज के इंडिकेटर्स क्या हैं, कि कौन कौन सी लीज को अपन फाइनेंसिंग लीज मानेंगे। तो उसे कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं अपन पढ़ने जाने के, भाई इंडिकेटर्स आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में आपसे फाइनेंसिंग लीज रखी है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। तो अगर अपन इंडिकेटर्स देखें तो इसके इंडिकेटर्स हमें कुछ बता रखे हैं पांच। सबसे पहला इंडिकेटर दे रखा है कि लीज जो है लीज ट्रांसफर कर रही है ओनरशिप ऑफ एसेट, लीज ट्रांसफर कर रही है ओनरशिप ऑफ एसेट टू लेसी बाय द एंड ऑफ लीज टर्म। हो क्या रहा है कि भाई मैंने अपनी एक एसेट दूसरे बंदे को किराए पे दी और मैंने उसे ये कहा कि भाई लीज टर्म खत्म होने के बाद ये एसेट तेरी, तो उसका ओनर बन जाएगा। तो लीज ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ एसेट टू लेसी बाय द एंड ऑफ लीज टर्म। नंबर टू पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें दे रखा है कि लेसी के पास ऑप्शन है कि वो परचेस कर सकता है लीज को, सॉरी लेसी के पास ऑप्शन है कि वो परचेस कर सकता है एसेट को एट अ प्राइस विच इज लोअर देन फेयर वैल्यू एट द डेट व्हेन ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल सच दैट एट द इंसेप्शन ऑफ लीज इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज तो भाई लेसी के पास ऑप्शन है कि वो एसेट को परचेस कर सकता है एक ऐसी वैल्यू पे जो फेयर वैल्यू से कम होगी एट द एंड ऑफ लीज टर्म, और हमें स्टार्टिंग में ये पता है कि वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। सो इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। तो नंबर वन हमने इंडिकेटर देखा कि भाई लीज जो है ट्रांसफर कर रही है ओनरशिप ऑफ एसेट टू लेसी बाय द एंड ऑफ लीज टर्म। नंबर टू पॉइंट ये है कि लेसी के पास ऑप्शन है कि वो एसेट को परचेस कर सकता है एट अ प्राइस विच विल बी लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द डेट व्हेन द ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल। मतलब अगर वो जो है लीज टर्म के बाद ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है कि उस एसेट को परचेस करना है तो वो एसेट को परचेस कर सकता है एट अ प्राइस जो उस दिन की फेयर वैल्यू से कम होगी, और हमें लीज की स्टार्टिंग में ही पता है कि वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। तो इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। तीसरा इंडिकेटर दे रखा है कि जो आपका लीज टर्म है, लीज टर्म इज फॉर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। आपका जो लीज टर्म है वो आपकी इकोनॉमिक एसेट के मेजर लाइफ टर्म को कवर कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट 10 साल और आपने लीज पे दे दिया उसको करीबन 8 साल पे, तो इसको अपन जो फाइनेंस लीज करेंगे जस्ट बिकॉज उसका जो लीज टर्म है वो एक मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट को कवर कर रहा है। चौथा पॉइंट देखिए अपन, तो इसमें दे रखा है कि भाई एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, लीज के इंसेप्शन पे ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट किसके बराबर है आपको दे रखा है कि फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट। तो अगर आपकी फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट और अगर आपकी मिनिमम लीज पेमेंट की फेयर वैल्यू अगर फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट के बराबर है या फिर सब्सटेंशियली इक्वल है तो उसको अपन जो है मानेंगे फाइनेंस लीज। अब ये मिनिमम लीज पेमेंट क्या होती है अपन जस्ट थोड़ी देर पढ़ेंगे। एंड इसके बाद पांचवां इंडिकेटर दे रखा है कि भाई लीज एसेट जो है आपका जो लीज एसेट है वो एक स्पेशलाइज नेचर का है, आपका जो लीज एसेट है वो एक स्पेशलाइज नेचर का है कि उसको सिर्फ लेसी ही यूज कर सकता है, लेसी ओनली कैन यूज इट। तो आपका कोई जो लीज एसेट है वो एक स्पेशलाइज नेचर का है कि लेसी ही उसको यूज कर सकता है, तो उसको अपन जो है फाइनेंस मानेंगे। अगर किसी दूसरे बंदे को उसको यूज करना पड़ेगा तो उसको मेजर मॉडिफिकेशन कराने पड़ेंगे। तो हमने अभी तक देखा कि भाई एक लीज की डेफिनेशन क्या होती है, दो तरह की होती है फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग। फिर हमने देखा कि भाई फाइनेंसिंग क्या होती है कि भाई जहाँ पर इसका एसेट ट्रांसफर टू लेसी। हम इंडिकेटर देखते तो पहला इंडिकेटर ये था कि भाई जो लीज ओनरशिप ऑफ एसेट ट्रांसफर करी तो लेसी एट एंड ऑफ लीज टर्म उसको हम कहेंगे फाइनेंसिंग लीज। दूसरा हमने ये देखा कि अगर लेसी के पास ऑप्शन है कि वैसे को परचेस कर सकता है एट अ प्राइस जो फेयर वैल्यू से कम होगी एट द डेट व्हेन द ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल, तो उसको अपन जो है फाइनेंस लीज मानेंगे। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि भाई अगर लीज टर्म जो है मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ को वैसे को कवर कराए तो भी फाइनेंस लीज मान जाएगा। फिर हमने देखा कि भाई एट द इंसेप्शन ऑफ लीज मतलब लीज चालू होते ही हमें ये पता चल गया कि भाई मिनिमम लीज पेमेंट की फेयर वैल्यू मेरी फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट के सॉरी मिनिमम लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू मेरी लीज एसेट की फेयर वैल्यू की सब्सटेंशियल इक्वल होगी। लास्ट हमने ये देखा कि भाई जो आपका लीज एसेट है वो स्पेशलाइज नेचर का है कि लेसी उसको यूज कर सकता है, तो इन पांच में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको अपन जो है फाइनेंस लीज मानेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई मिनिमम लीज पेमेंट क्या होती है। तो मिनिमम लीज पेमेंट का सिंपल मतलब ये है कि जो भी लीज टर्म है उसमें लेसी जो है लेसर को क्या पेमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर लीज टर्म 5 साल का है तो हो सकता है जो लेसी है वो हर साल या फिर हर महीने लीज पेमेंट करेगा इसको लेसर को। उसके अलावा लेसी ने क्या कहा कि लीज टर्म खत्म होते ही मैं आपको जो है एक फिक्स अमाउंट जो है गारंटी करता हूं कि मैं आपको दे दूंगा। तो लीज टर्म 5 साल का था, 5 साल में वो हर साल से सपोज 1 लाख रुपए करेगा, तो 1 लाख इंटू 5 ये 5 लाख हो गई आपकी क्या लीज पेमेंट, ये 5 लाख हो गई आपकी लीज पेमेंट। और इसके अलावा लेसी ने जो गारंटी कराई कि मैं लीज टर्म के एंड पे 50,000 रुपए जो है आपको दे दूंगा गारंटेड वैल्यू। तो ये जो 1,50,000 हो गया सॉरी 5,50,000 5,50,000 हो गया, ये हो गया आपका मिनिमम लीज पेमेंट। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज क्या होता है। आप जो है पहले सारे कॉन्सेप्ट समझते जाओ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो भाई इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज एक ऐसी डिस्काउंट रेट है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड अनगारंटेड एसेट वैल्यू को किसके बराबर लिखा जाए, फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट के बराबर लिखा जाए। तो अब आपको मैं जो है एक एग्जांपल समझाता हूं। आप ये मान लो कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ कार जो एक लेसर ने लेसी को लीज पे दी थी उसकी मान लो फेयर वैल्यू थी 10,00,000 रुपये। भाई लीज टर्म था आपका 5 ईयर्स का। अब अग्रीमेंट क्या बोलता है, अग्रीमेंट ये बोलता है कि अगले 5 साल तक 2,00,000 रुपये जो है लीज पेमेंट देने पड़ेंगे किसको, लेसी को देने पड़ेंगे। और लेसी ने जो है गारंटी दे दी
लेसी ने जो है गारंटी दे दी कि भाई एट द एंड ऑफ लीज टर्म, एट द एंड ऑफ लीज टर्म लेसी क्या करेगा, 1 लाख रुपये जो है लेसर को दे देगा। तो भाई अगर मैं देखूँ मिनिमम लीज पेमेंट क्या होगी मेरी 2 लाख इंटू 5 प्लस 1 लाख, कितना हो गया ये 11 लाख। तो मिनिमम लीज पेमेंट हो गई मेरी 11 लाख की। इसके अलावा अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ये होती है कि भाई लेसर जो है ये उम्मीद कर रहा है, उम्मीद मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है, लेसर जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई एट द एंड ऑफ लीज टर्म, एट द एंड ऑफ लीज टर्म उसे से सपोज 3 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो आपका जो लेसर है वो ये उम्मीद कर रहा है कि भाई उसे लीज टर्म के एंड पे 3 लाख रुपये मिल जाएंगे। अब इस 3 लाख रुपये में से 1 लाख की तो गारंटी किसने दे दी, 1 लाख की तो गारंटी दे दी लेसी ने, तो ये तो आपका गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। अब बचे 2 लाख जो है, अब बचे तो 2 लाख जो है ये आपके हैं अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो भाई आपको तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज क्या होती है, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू को किसके बराबर लिखा जाए, फेयर वैल्यू ऑफ द लीज के बराबर लिखा जाए। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है, तो मिनिमम लीज पेमेंट में दो चीज होती है, एक तो लीज पेमेंट और एक होती है गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है कि भाई जो लेसर है वो जितना भी एक्सपेक्ट कर रहा है उसमें से माइनस कर दोगे गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू को, तो आपको जो है अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू मिल जाएगी। और फेयर वैल्यू ऑफ द लीज आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो जो भी रेट कैलकुलेट करो अगर वो मिनिमम लीज पेमेंट और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट के बराबर लेके आ जाए, तो उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज। तो आपका जो है ये कॉन्सेप्ट एक डन है। देखो एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है, 50,000 जो है आपका क्या है लीज रेंट है, 50,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर लीज पेड आपको दे रखा है 5 साल, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 25,000, अनगारंटेड दे रखी 15,000, फेयर वैल्यू दे रखी आपको 2 लाख की। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई जो है आप इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज निकालो, तो हमने देखा था कि भाई इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज क्या होती है कि भाई आपका जो भी लीज रेंट है, जो भी गारंटेड वैल्यू है, जो भी अनगारंटेड वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर आ जाए, उसका प्रेजेंट वैल्यू जो है 2 लाख के बराबर आ जाए। तो देखो इसने इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज कैसे कैलकुलेट करिए, आपके पहले साल में आपका जो है 50,000 का क्या होगा इनफ्लो होगा। एज अगर मैं लेसर सोचूं तो 50,000 का जो है मेरा पहले साल इनफ्लो होगा, दूसरे साल में देखो दूसरे साल में आपको 50,000 मिलेंगे, तीसरे मिलेंगे, चौथे मिलेंगे, पांचवें मिलेंगे, पांचवें ईयर के एंड में आपको जो है 25,000 की गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू मिल जाएगी। और लेसर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई 5वें साल के एंड में उसको जो है 15,000 अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हमने क्या करा, एक इनफ्लो का चार्ट बनाया और उसको जो है 10% से डिस्काउंटिंग करी। तो जैसे ही हमने जो है इस इनफ्लो के चार्ट को 10% से डिस्काउंटिंग करी, 0.909826.751.683.621, तो हमको जो है एक प्रेजेंट वैल्यू मिली 2,14,340। अब आप ये समझना कि जैसे ही मैंने अपने इनफ्लो को जो है 10% से डिस्काउंट करा तो मेरी वैल्यू आई 2,14,340, जबकि मेरी फेयर वैल्यू कितनी थी 2 लाख की थी। तो मैंने क्या करा कि भाई एक बार 14% से इस चीज को डिस्काउंट करके देखा, जो भी मेरे मिनिमम लीज पेमेंट है उसमें 14% से डिस्काउंट करा, तो मेरी जो है प्रेजेंट वैल्यू आ गई 192,360। भाई ऐसा है कि मुझे इंटरेस्ट इंप्लिसिट इन द लीज चाहिए और वो ये होती है कि भाई जो भी मेरे इनफ्लो है वो डिस्काउंट करने पे 2 लाख के बराबर आ जाए। तो मैंने क्या करा कि भाई जैसे ही मैंने 4% से अपनी डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ाया, पहले मैंने 10% से डिस्काउंटिंग करी तो मेरी वैल्यू आई थी आप ये देखो 2,14,340, और जैसे ही मैंने 14% से डिस्काउंटिंग करी मेरी वैल्यू आई 1,92,360। तो आपको तो बस ये देखना है कि भाई मुझे 2 लाख तक लेके जाना है। तो आप ये समझो, अगर आप मैं बेसिक मैं समझाऊं, तो जैसे ही आपने 4% से अपनी डिस्काउंट रेट को बढ़ाया, जैसे ही आपने 4% से डिस्काउंट रेट को बढ़ाया, तो आपकी जो है वैल्यू कितने से गई, 21980 से गई, 21980 की वैल्यू आपकी गई, जबकि आपको गिरानी कितनी थी 14,340 की गिरानी थी। तो 14,340 की गिरानी थी, तो मैं कितनी रेट को बढ़ाऊं, भाई ये बेसिक मैथ है कि भाई आपको जो है प्रेजेंट वैल्यू चाहिए थी 2 लाख की, आपने जैसे ही 10% से डिस्काउंटिंग करी तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आई 2,14,340, जैसे ही आपने 14% से डिस्काउंटिंग करी आपकी वैल्यू आई 1,92,360, जैसे ही आपने 4% से डिस्काउंटिंग बढ़ी आपकी वैल्यू गई 21,980, लेकिन आपको गिरानी कितनी थी 14,340, क्यों गिरानी थी, क्योंकि आपको प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख के बराबर आनी है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आई 2.6, तो जैसे ही आपने 10 को 10 में 2.6 स्क्वायर करा तो आपकी जो इंटरेस्ट इंप्लिसिट इन द लीज आ गई 12.6। अब समझ में आ गई क्या बात आपको, तो ये आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। देखो ये जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ये बच्चे छोटे से जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है, आपको जो है ऐसा कुछ छुपा के देगा और आपको बोलेगा कि भाई जो इंटरेस्ट इंप्लिसिट इन द लीज निकालो, तो आप इससे निकाल देना बहुत आसान है। आपको एक नया कांसेप्ट कराता हूं कि भाई लेसी जो है अपनी बुक्स में फाइनेंस लीज को किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। अब जो है मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ कि भाई लेसी जो है अपनी बुक्स में फाइनेंस लीज को किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। तो आपको बस इतना सा देखना कि भाई ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन, ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ लीज, लीज जैसी चालू हुई उस दिन पे लेसी जो है अपनी किताबों में क्या करेगा, तो वो जो है अपनी किताबों में एक एसेट दिखाएगा और एक करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी दिखाएगा, करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी को शो करेगा, करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी को शो करेगा, किस पे शो करेगा, एट एन अमाउंट विच इज लोअर ऑफ फॉलोइंग। पहला है फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, और दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी। ये इंपॉर्टेंट है देखना, मैंने कहा कि भाई ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ लीज लेसी जो है अपनी बुक्स में फाइनेंस लीज को किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, वो एक एसेट दिखाएगा और एक लायबिलिटी शो करेगा। कैसे शो करेगा मैं बता देता हूं, लेकिन किस अमाउंट पे शो करेगा वो आपको बता दूं, एट एन अमाउंट विच इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग, फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट एट इंसेप्शन ऑफ लीज आपको कुछ में दे रखी होगी, और दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी। तो स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी में मिनिमम लीज पेमेंट में क्या जाएगा, जो भी लीज पेमेंट वो कर रहा है पूरे लीज पे, और गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू उधर नहीं आएगी, क्योंकि ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है ही नहीं, ये तो जो है लेसर एक्सपेक्ट करता है। बात समझ में आ गई आपको, तो ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ लीज लेसी जो है अपनी बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड करेगा, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा, एट एन अमाउंट विच विल बी इक्वल टू द लोअर ऑफ द फॉलोइंग, फेयर वैल्यू ऑफ द लीज एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी। अब इसका आपको मैं जो एक क्वेश्चन कराता हूं आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। और देखो आपकी बुक में एग्जांपल 2 दे रखा है, एनुअल लीज रेंट कितने दे रखे 50,000 एंड ऑफ ईयर, लीज पे आपको दे रखा है 5 साल, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 25,000, गारंटेड 15,000, फेयर वैल्यू 2 लाख और इंटरेस्ट इंप्लिसिट इन द लीज दे रखी है 12.6। इंटरेस्ट इंप्लिसिट इन द लीज क्या होती है, मैं आपको समझाया था कि कोई भी एक ऐसी डिस्काउंटिंग रेट जो मिनिमम लीज पेमेंट और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को किसके बराबर कर दे, फेयर वैल्यू के बराबर कर दे। तो ये इंटरेस्ट इंप्लिसिट इन द लीज आपको जो है क्वेश्चन कैलकुलेट करके दे रखी है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये देखो आपको दे रखा है कि प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट इसने कंप्यूटर करके दिखा दी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी, ये देखो ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है।
तो हमें दे रखा है कि 5 साल तक 50,000 का पेमेंट करेगा और उसके अलावा गारंटीड एसेट वैल्यू का पेमेंट करेगा कौन लेसी, उसके हमने इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज डिस्काउंटिंग करके मेरी प्रेजेंट वैल्यू 19,500 जबकि मेरी फेयर वैल्यू दे रखी 2 लाख। तो अकाउंटिंग एंट्री एट द इंसेप्शन ऑफ लीज टू रिकॉर्ड द एसेट टेकन ऑन फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी सजेस्ट बिलो। तो एंट्री के पास करेगा अपनी बुक्स में एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर लीज लायबिलिटी, उसने कितने रिकॉर्ड करी विच इज लोअर 2 लाख और 191,500 में से ऑब्वियसली लोअर 191,500 उसने जो है इसको एसेट और लायबिलिटी को 191,500 रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको जो है मैं एक नए कॉन्सेप्ट लिख जाता हूँ कि भाई इसमें नीचे एग्जांपल 3 भी रखा है कि अगर एग्जांपल 2 के डेटा को हम यूज करें और 0 डेसिमल वैल्यू माने तो फाइनेंस कॉस्ट को जो है लेसी अपनी बुक्स में किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। भाई बहुत सीधी सी बात है कि लेसी ने जो है अपनी बुक्स में एंट्री कर दी एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी 191,500। अब आप ये देखना कि भाई वो हर साल लीज का पेमेंट करेगा और हर साल अपनी बुक्स में जो है इंटरेस्ट इनकम बुक करेगा। इंटरेस्ट इनकम किस चीज की बुक करेगा क्योंकि देखो उसने लीज लायबिलिटी कितनी दिखा रखी है 191,500 पे दिखा रखी है और उसको कहां तक ले जानी है उसको जो है 2 लाख तक ले जानी है। अब आप ये समझो कि वो अपनी बुक्स में जो है क्या क्या एंट्रीज पास करेगा। पहली बात तो हमने देखा कि भाई ईयर 1 पे वो 50,000 का लीज पेमेंट करेगा। अब सवाल ये आता है कि अपने उसने जो है अपनी बुक्स में लीज लायबिलिटी कितनी दिखा दी 191,500 दिखा दी। अब इस 191,500 में से उसने एक साल बाद 50,000 रुपए जो है पे कर दिया। अब इस 50,000 में से प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और फाइनेंस चार्ज कितना है वो अपन कैसे पता लगाएं। वही देखो 191,500 का जैसे आप 12.6% करते हो तो आपको मिलेगा 24,129। मतलब वो अपनी बुक्स में जो है इंटरेस्ट कितना दिखाएगा 24,129 का दिखाएगा और 24,129 जो है इंटरेस्ट का पेमेंट है मतलब 50,000 का उसने जो ईयर एंड पे पेमेंट करा उसमें से इतना तो इंटरेस्ट लगा मतलब रिमेनिंग ये जो है प्रिंसिपल के लिए था। तो 191,500 में से प्रिंसिपल अमाउंट गया 165,629। अगेन इसका 12.6% निकालो तो ये आ जाएगा 50,000 में से माइनस करो तो आपको आ गया प्रिंसिपल। इसमें से प्रिंसिपल गया 135,499 ये सीक्वेंस आ जाएगा एंड ईयर एंड पे क्या होगा ईयर एंड पे सब कुछ आपका जो है ईयर एंड पे सब कुछ आपका जीरो हो जाएगा। अब देखो ईयर 1 पे उसने एंट्री क्या पास करी। सबसे पहले तो उसने जो है फाइनेंस चार्ज बुक करा जो हमने ईयर 1 पे एंट्री करी थी मतलब जो इंटरेस्ट बुक करा था उसकी उसने एंट्री करी फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लेसर। लेसर को ये जो है फाइनेंस चार्ज देगा तो एंट्री क्या फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लेसर 24,129। उसके बाद उसने जो है पेमेंट कर दिया लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 का पेमेंट कर दिया। फिर उसने जो है फाइनेंस चार्ज को पीएल में चार्ज कर दिया। इस फाइनेंस चार्ज को जो है पीएल में चार्ज कर दिया पीएल में बुक कर लिया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब जो है मैं आपको एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूं वो कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज आपको जो है अनगारंटीड एसेट वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी। मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई और बार बार ये चीज बता रहा हूं कि भाई इंटरेस्ट इंप्लिसिट इन द लीज क्या होती है। इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज वो होती है जो मिनिमम लीज पेमेंट और अनगारंटीड एसेट वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को किसके बराबर कर जाए फेयर वैल्यू के बराबर कर जाए। बोलो भाई समझ में आया क्या? इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज क्या होती है मिनिमम लीज पेमेंट और अनगारंटीड एसेट वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को किसके बराबर कर जाए फेयर वैल्यू के बराबर कर जाए। अब सवाल ये आता है कि अगर क्वेश्चन में आपको जो है अनगारंटीड एसेट वैल्यू नहीं दे रखी तो आप जो है इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज कैसे निकालोगे। तो एएस 19 हमें ये कहता है कि सपोज अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अनगारंटीड एसेट वैल्यू नहीं दे रखी तो आप इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट नहीं निकाल सकते। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि लेसी का जो इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट है उसको इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट है उसको आप इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज मान लेना। तो अज्यूम कर लेना कि भाई लेसी का जो इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट है वो आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज। भाई हमने ये देखा है कि लेसी जो है अपनी बुक्स में फाइनेंस लीज को किस पर रिकॉर्ड करता है विच इज लोअर फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी उस पर ही रिकॉर्ड करता है। हमने ये समझा है कि भाई लेसी जो है अपनी बुक्स में फाइनेंस लीज को किस तरह से रिकॉर्ड करता है तो वो एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता है एट एन अमाउंट विच इज लोअर देन फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी। अब सीधी सी बात है इस प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए आपको जो है इंटरेस्ट इंप्लिसिट इन द लीज चाहिए रहेगी और अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज नहीं दे रखी और आप निकाल नहीं सकते क्योंकि आपको अनगारंटीड एसेट वैल्यू नहीं दे रखी तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा लेसी की इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट को ही यूज करना पड़ेगा। तो लेसी की इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट को ही जो है हम इंटरेस्ट इंप्लिसिट इन द लीज मान लेंगे। तो आप देखना कि भाई इन एग्जांपल 2 पढ़ो इसको कि भाई इन एग्जांपल 2 सपोज अनगारंटीड एसेट वैल्यू इज नॉट डिटरमिनेबल एंड लेसी इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट इज 10% सिंस इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट ऑन द लीज इज द डिस्काउंटिंग रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड एसेट वैल्यू इक्वल्स द फेयर वैल्यू। इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज कैन नॉट डिटरमाइन अनलेस द अनगारंटीड एसेट वैल्यू इज नोन। समझ में आ गई क्या बात? अगर आपको अनगारंटीड एसेट वैल्यू नहीं दे रखी तो आप इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज नहीं निकाल सकते। इसलिए आप क्या करोगे? इफ द इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज इज नॉट डिटरमिनेबल प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट शुड बी डिटरमाइन यूजिंग लेसी का इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट। बताओ भाई समझ में आ गया क्या? तो लेसी का जो है इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट को जो है हम क्या मानेंगे इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज मान लेंगे। अब देखो आप मिनिमम लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट यूजिंग लेसी का इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट इज एज़ फॉलोस। ईयर 1 2 50,000 आगे देखते हैं अपन। ये देखो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो मिनिमम लीज पेमेंट क्या हो जाएगी 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 और 25 और लेसी का जो है इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट रखा था हमें 10%। तो अगर हमने उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो हमें आता है 2,05,25 रुपए। इसको मैं कंपेयर करता हूं फेयर वैल्यू से तो मुझे पता चल रहा है कि भाई 25 फेयर वैल्यू है तो मैंने बुक्स में पास कर दी एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर मैंने बुक्स में पास कर दी 2 लाख रुपए की। बोलो भाई समझ आता है क्या? इजी है ना? सिंपल सी बात यह है कि लेसी जो है अपनी किताबों में फाइनेंस लीज को कैसे दिखाएगा? फाइनेंस लीज को दिखाएगा एट एन अमाउंट विच इज लोअर देन प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट एंड फेयर वैल्यू एंड उसके लिए जो है उसको इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज चाहिए रहेगी क्योंकि उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अगर इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज आप नहीं निकाल पा रहे क्योंकि आपके पास अनगारंटीड एसेट वैल्यू नहीं है तो आप लेसी की जो है इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट को यूज कर सकते हो। बोलो भाई समझ में आ गया क्या? अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया तो इसको एक बार वापस रिवाइज करो, वापस पढ़ लो। चलो अब आपको आगे बताते हैं, समुद्र के अंदर लेके जाते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन करवाते हैं जो आपको एग्जाम्स में आते हैं। चलो अब आपको कुछ इलस्ट्रेशन करवाते हैं जो एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ लिए और अगर नहीं समझे तो इसको एक बार रिवाइज करो और अगर समझ लिए तो आपके देखो क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि भाई एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड टेकन मशीन और फाइनेंस लीज लिमिटेड इसमें जो फाइनेंस लीज मशीन ले रखी है। इन्फॉर्मेशन में बता रखी है कि भाई लिस्ट कितना है 4 साल का लिस्ट है। आगे देखते हैं अपन। अगर आप देखोगे कि फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन ऑफ लीज, फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन ऑफ लीज हमें रखा है 20 लाख का, लीज एंड हमें रखा है 6 लाख 50,000 का, गारंटीड एसेट वैल्यू हमें रखी है 25, एक्सपेक्टेड एसेट वैल्यू हमें रखी है 3% की। तो अगर आप देखोगे कि अनगारंटीड एसेट वैल्यू क्या हो जाएगी 3,75 - 1,25, 3,75 - जो है 1,25 आपकी जो है अनगारंटीड एसेट वैल्यू निकल जाएगी। आपको दे रखा है कि भाई इंटरेस्ट इंप्लिसिट इन द लीज 15% दे रखी है, डिस्काउंटिंग रेट आपको बता रहा है 1,2,3,4 साल की डिस्काउंटिंग रेट दे रखी है। आपको ये पूछा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी एज़ पर एएस 19 एंड डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन द बैलेंस शीट एंड पी एंड अकाउंट। बताओ भाई इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा? बोलो मां समझ में आ रहा है क्या? अब ये देखो सॉल्यूशन देखना इसका। भाई हमने एएस 19 में क्या बताया कि लेसी शुड रिकॉग्नाइज द लीज, लेसी वैल्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा एज एन एसेट एंड लायबिलिटी एट एन अमाउंट इक्वल टू लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द लीज एसेट एट द इंसेप्शन ऑफ लीज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द स्टैंडपॉइंट ऑफ लेसी। और बहुत सिंपल जो आपको समझाया वही दे रखा है आपको, एक वो चीज लिखनी है। फिर आप ये देखोगे कि भाई मिनिमम लीज पेमेंट क्या है 6,25 वो जो है 4 साल तक पे करेगा और 4 साल के बाद 6,25 + 1,25 क्या है इसके अंदर वो है गारंटीड एसेट वैल्यू। 6,25,000 तो आपकी होगी मिनिमम लीज पेमेंट और 1,25 होगी आपकी
गारंटीड एसेट वैल्यू, तो चार साल के एंड में वो आपको जो है 750,000 का पेमेंट करेगा। मैंने 15% से डिस्काउंटिंग करी, आपको डिस्काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन दे रखी है, ये देखो भाई 1, 2, 3, 4 से कॉपी पेस्ट कर ली, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, तो 18,15,850 के आ गया प्रेजेंट वैल्यू, आ गया मिनिमम का, बोलो भाई समझ आया क्या? तो प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लिस्टमेंट आ गई आपकी 18,15,850, फिर वैल्यू आपको दे रखी 20 लाख की, तो आपका जो है एसेट और करेस्पॉन्डिंग लीज आईडी कितने होगी 18,15,850, बोलो मां समझ आया क्या? जादू हो रहा है ना? तो देखो इलस्ट्रेशन मैंने आपकी बुक का सॉल्व हो गया। आपको मैं एक एडवाइस देता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको इलस्ट्रेशन करवाते जा रहा हूँ, आप अपनी बुक खोलो और बुक में साथ ही साथ इलस्ट्रेशन कर लो, नहीं करोगे तो आपका नुकसान है। कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके पूछ लो, मेरा नंबर ले लो, फोन पे बात कर लो। चलो अब आपको थोड़ा गहराई में लेकर चलते हैं अंदर। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होती है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होती है, बोलो मां समझाओ मां, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होती है, समझ आ रहा है क्या मां? देखो सीधी सी बात यह है कि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं भाई। ऐसा है कि इसके अंदर आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड एसेट वैल्यू। भाई अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हम किसके स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे? लेसर, आपका जो लेसर है, आपका जो लेसर है जिसने अपनी एसेट को लीज पे दिया है, वो निकालेगा अनअर्न्ड फाइनेंस कॉस्ट। और अनअर्न्ड फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, बहुत सिंपल है, मैं आपको अभी चुटकी में समझा दूंगा। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला होता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज में आप लेस करोगे प्रेजेंट वैल्यू और मिनिमम लीज पेमेंट एंड गारंटीड एसेट वैल्यू। भाई मिनिमम लीज पेमेंट क्या होती है और अनगारंटीड एसेट वैल्यू क्या होती है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, अब आप एक्सपर्ट बन चुके हो, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आपका जो है ये वाला तो काम हो गया। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज क्या होती है, तो भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज तो बहुत सिंपल है। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज क्या होती है, जो भी आपका मिनिमम लीज पेमेंट है उसमें आप अनगारंटीड एसेट वैल्यू को ऐड कर दो, बस इधर हमें क्या करना है, जो अमाउंट दे रखा है मिनिमम लीज पेमेंट और अनगारंटीड एसेट वैल्यू को उसको वैसे वैसे लिख दो और उसमें से माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू, तो आपकी आ जाएगी अनफाइनेंस कॉस्ट। भाई समझ में आ गया क्या आपको? अभी एक क्वेश्चन करूंगा पूरा क्लियर हो जाएगा। अनअर्न्ड फाइनेंस कॉस्ट होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड गारंटीड एसेट वैल्यू। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज क्या होती है, इसको देखोगे तो ये आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज है, मतलब मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड एसेट वैल्यू, आप माइनस कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड गारंटीड एसेट वैल्यू, तो आपको जो है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मिल जाएगी। तो सब समझ में आ गया मां? तो सब समझ में आ गया, ऐसा ही लग रहा है ना आपको? बिल्कुल, अभी आपको क्वेश्चन कराते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, अब आपको इसको क्वेश्चन करा देता हूं मैं। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको, प्रकाश लिमिटेड लीज द मशीन टू बादल लिमिटेड। प्रकाश लिमिटेड ने क्या करा, एक मशीन दे दी बादल लिमिटेड को, फॉलोइंग टर्म्स, फेयर वैल्यू में दे रखी 48 लाख की, लीज में दे रखा है 5 साल का, लीज रेंट में दे रखी 8 लाख की, गारंटी दे रखी 1.6, अनगारंटीड दे रखी है 3-1.6, 1.4, बोलो समझ में आता है क्या? इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न में दे रखा है, सॉरी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%, डिस्काउंटिंग रेट में बता दिया इतना, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होगी बता दो भाई। तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि आप क्या करोगे, जो भी ये लीज रेंटल है इसको ऐड करो और अनगारंटीड एसेट वैल्यू को ऐड करो, तो आपका निकल गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ठीक है भाई, आपका जो भी लीज रेंटल है, आपका जो भी गारंटी वैल्यू है, जो भी अनगारंटीड वैल्यू है उसको ऐड करो, तो ये आ जाएगा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज, और इसमें माइनस कर दोगे आप क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड एसेट वैल्यू, तो आपका जो है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगी। भाई अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वही जो मैंने आपको बताया वो इंग्लिश में लिख रखा है, आपको चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ये देखो भैया, आप सबसे पहले निकालोगे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज क्या होती है, तो 8 लाख × 5, 40 लाख तो ये हो गया, गारंटी वैल्यू ये हो गई, अनगारंटीड वैल्यू ये हो गई, तो आपका जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना निकल गया, 43 लाख निकल गया, बोलो भाई समझ में आता है क्या? ये हो गया आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब आप निकालते हैं अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड अनगारंटीड एसेट वैल्यू। भाई ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 साल दे रखे 8 लाख, गारंटी वैल्यू भी दे रखी 1 साल, अनगारंटीड दे रखी 41, इसका जैसे 15% डिस्काउंटिंग करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 28,30,920। क्या करना भाई, 43 लाख में से 28,30,920 को माइनस करोगे तो अनफिनिश इनकम आ गई 14,69,080, बोलो भाई समझ में आता है? इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन एग्जाम में और क्या आएगा, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, आपको बस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। बोलो भाई 5 मार्क्स बोनस मिलेंगे क्या आपको, कोई दिक्कत है क्या इसमें? वापस समझा देता हूं, अनफिनिश इनकम क्या होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में से माइनस करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड एसेट वैल्यू। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होती है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज खुद ही वो होती है जो है मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड एसेट वैल्यू। तो आप वापस देखो कि आपका जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज हमने कैसे निकाला, टोटल लीज रखा है प्लस गारंटीड एसेट वैल्यू प्लस अनगारंटीड एसेट वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया तो आता है 43 लाख, और जैसे ही मैंने इन चीजों का प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो आता है 28,30,320, इन दोनों को जैसे मैंने माइनस करा तो मेरा क्या निकल आता है 14,69,080 है मेरा क्या, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। बोलो भाई इससे आसान क्वेश्चन और एग्जाम में क्या आएगा? ठीक है, अब आपको जो है एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, और वो ये है कि भाई ऑपरेटिंग लीज की लेसी जो है अपनी बुक्स में अकाउंटिंग किस तरह से करेगा। तो फाइनेंस लीज का तो हमने ये देखा कि भाई फाइनेंस लीज लेसी जो है अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा एज एन एसेट एंड एज एन लायबिलिटी एट एन अमाउंट इक्वल टू लोअर ऑफ बताओ भाई लोअर ऑफ क्या फेयर वैल्यू ऑफ द लीज एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी व्हिच एवर इज लोअर, इस अमाउंट पे वो जो है लेसी अपनी बुक्स में एसेट लायबिलिटी फाइनेंस करेगा इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। बोलो भाई समझ में आता है क्या? अब ऑपरेटिंग लीज पे आ जाए तो लेसी जो है अपनी बुक्स में क्या करेगा, तो ऑपरेटिंग लीज के कुछ नहीं करेगा, बस वो जो लीज पेमेंट है उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। कैसे रिकॉर्ड करेगा, आपको एग्जांपल से समझाई देते हैं। ये देखो भैया, सपोज आउटपुट्स फ्रॉम अ मशीनरी टेकन ऑन 3 ईयर ऑपरेटिंग लीज आर एस्टिमेटेड 10,000 यूनिट्स इन ईयर 1, ठीक है, फिर 20,000 यूनिट्स इन ईयर 2, 50,000 यूनिट्स इन ईयर 3, मतलब आपने कोई मशीनरी लीज पे ली और आपको ये पता है कि अगले 3 साल तक मुझे इतना आउटपुट मिलेगा उसके अंदर से। आगे अगर पढ़े हम तो ये रखा है कि भाई अगली एनुअल लीज पेमेंट 25, 45, 50 रिस्पेक्टिवली, तो अगले 3 साल के आपके जो लीज पेमेंट है वो आपको बता रखें कि भाई 25, 45, 50 रिस्पेक्टिवली। अगर आप देखोगे कि टोटल लीज पेमेंट आपको जाता है 1,20,000, 25, 45, 50 बन के आता है 1,20,000, तो सवाल ये होता है कि भाई पहले साल में आपने 25,000 का लीज पेमेंट कर दिया, लेकिन क्या 25,000 के पूरे पूरे लीज पेमेंट को बिना मिलकर चले जाएंगे हम? तो AS19 ये कहता है कि भाई आप जो है लीज पेमेंट को अपनी बुक्स में उस तरह से रिकॉग्नाइज करोगे जिस तरह से आपको जो है बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो एक बात बताओ, आपने कोई मशीन जो है लीज पे ली और आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं 1:2:5 के रेशियो में, मतलब 10,000, 20,000, 50,000 के रेशियो में मिल रहे हैं आपको बेनिफिट्स, तो आप जो है इससे लीज पेमेंट्स को किस पर रिकॉर्ड करोगे, किस बेसिस पर रिकॉर्ड करोगे, आउटपुट के बेसिस पर रिकॉर्ड करोगे? अब ये देखना कि भाई हमें ये बता रखा है कि टोटल लीज पेमेंट दे रही 1,20,000, तो पहले साल में आप जो है लीज एंड कितना रिकॉग्नाइज करोगे? तो भाई बहुत सीधी सी बात है कि भाई पहले साल आपने जो है 25,000 का दिया लीज पेमेंट दिया, इनटू कर दो 10,000, डिवाइड कर दो, सॉरी 1,20,000 जो है आपका टोटल लीज पेमेंट है, 1,20,000 इनटू 10,000 कर दो, डिवाइड कर दो 60,000, 60 × 70, फिर 10,000 क्या है पहले साल का आउटपुट है, 70,000 का टोटल आउटपुट है, तो 1,20,000 × 10,000 / 70,000 जैसे करोगे तो आपको अमाउंट आएगा वो है 15,000 का। हाँ भैया,
अपन ने गड़बड़ कर दी, 50+20+10 70 नहीं होता 80 होता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि भाई आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 120,000 का, आपका पहले साल का आउटपुट था 10,000 का और आपका टोटल आउटपुट मिलने वाला है आपको 80,000 का, तो 120,000 × 10,000 / 80,000 जैसे करोगे आपका आ जाएगा 15,000। तो पहले साल आपने लेसर कोड यूज करके 25,000 से ऊपर, क्योंकि 25,000 का पेमेंट तो करोगे, लेकिन अपनी बुक्स में जो है क्या करोगे, लीज को कितने से इग्नाइज करोगे, 15,000 से इग्नाइज करोगे, और बाकी जो डिफरेंस बचा है उसको आपको डालना है लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट में। ये अकाउंट से बाहर जाकर बच जाएगा। तो पहली एंट्री आपने क्या पास करी कि लीज अकाउंट डेबिट, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लेसर, कितने से करी 15,000 से 25। अब क्या करोगे, लेसर को 25,000 से ऊपर सबमिट कर दिया लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक और पीएम लीज के तले 15,000 का ले गए, बाकी जो 10,000 का आपका क्या बचा ऐसे बचा, तो लेसर को आप जो है करंट एसेट में शो करोगे। इसमें देखो क्या लिखा है, सिंस द टोटल लीज एंड ड्यू एंड रिकॉग्नाइज मस्ट बी सेम, द लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट विल क्लोज इन द टर्मिनल ईयर, मतलब ये क्या होगा, अल्टीमेटली आखिर में जाकर क्लोज हो जाएगा। टिल देन जब तक ऐसा ना हो जाए, बैलेंस ऑफ लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट, इस लीज इक्वलाइजेशन का अकाउंट का बैलेंस बैलेंस में कहां से होगा, एज अ करंट एसेट और एज अ करंट लायबिलिटी। बोलो भाई समझ में आता है क्या आपको, कुछ नहीं करना आपको, बस अगर क्वेश्चन देते सिंपल सा, और आपसे ईयर वन की एंट्री पास करने को बोले तो आप एंट्री पास करके आ जाना, समझ लिया आपने, आपको जो लीज रेंट है वो किस बेसिस पर रिकॉग्नाइज करने जिस पे आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। अब AS 19 का आखिरी कॉन्सेप्ट, AS 19 का आखिरी कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, वो है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन क्या है, अगर आपने ये कर लिया तो आप जो है AS 19 के एक्सपर्ट बन चुके हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने जो करने जा रहे हैं वो है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, और ये AS 19 का आखिरी कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप जो है पूरा AS 19 समझ गए हो, ये मान लो आप भाई, आप AS 19 में एक्सपर्ट बन चुके हो, पारंगत हो चुके हो, कोई भी क्वेश्चन आगे एग्जाम में तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूं कि सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ है नोरा फतेही और एक तरफ है मान लो आप रोहन गर्ग। तो नोरा फतेही ने क्या करा, अपने एक एसेट को रोहन गर्ग को बेचा, एसेट जो है बेचा, एसेट सोल्ड टू रोहन गर्ग। नोरा फतेही ने जो है अपने एक एसेट को अपने बाबू रोहन गर्ग को बेचा, और रोहन गर्ग ने क्या करा, उस एसेट को वापस जो है लीज पे दे दिया, किसको, नोरा फतेही को। तो लीज बैक टू नोरा फतेही। भाई हुआ ऐसा है कि नोरा फतेही रोहन गर्ग के पास आई और नोरा फतेही ने कहा कि यार रोहन गर्ग बाबू मेरे पास पैसा बहुत कम है, मुझे पैसे की जरूरत है। तो रोहन गर्ग ने कहा कि भाई तू एक काम कर, तू अपने एसेट को मुझे बेच दे, मैं तुझे पैसा दे दूंगा। तो नोरा फतेही ने क्या करा, अपने एसेट को रोहन गर्ग को बेच दिया, रोहन गर्ग ने उसको जो है पैसा दे दिया। तो हुआ क्या कि भाई रोहन गर्ग ने पैसा किसको दे दिया, पैसा किसको दे दिया, रोहन गर्ग ने पैसा जो है नोरा फतेही को दे दिया। तो नोरा फतेही के पास पैसों की कमी थी, पैसों की कमी पूरी हो गई। अब नोरा फतेही को बिजनेस चलाना है, तो नोरा फतेही ने क्या कहा कि भाई जो एसेट मैंने तुझे बेचा है वो मुझे तू जो है वापस लीज पे दे दे, क्योंकि मुझे उस एसेट की जरूरत है। तो रोहन गर्ग ने बोला ठीक है बाबू सोना जादू तो ना ले जाओ मेरा एसेट, ले जाओ तुम। तो रोहन गर्ग ने क्या करा, उस एसेट को वापस लीज पे दे दिया, किसको, नोरा फतेही को। तो नोरा फतेही को पैसों की जरूरत थी, उसने क्या करा, अपने एसेट को अपने बाबू रोहन गर्ग को बेचा, रोहन गर्ग ने क्या करा, पैसा जो है नोरा फतेही को दे दिया, नोरा फतेही के पास पैसा आ गया उसकी लाइफ सेट। अब नोरा फतेही को क्या करना है, उस एसेट का यूज करना है। तो नोरा फतेही ने कहा रोहन गर्ग को कि भाई तू मुझे अपने एसेट को वापस दे दे, तू लीज पे दे दे, मैं इस एसेट के बदले में तुझे हर साल लीज पेमेंट करती जाऊंगी। तो अब आप मेरी बात समझना कि हुआ क्या, नोरा फतेही की पैसे की प्रॉब्लम दूर हो गई। नोरा फतेही के पास पहले एसेट था, अभी भी एसेट है, बस अभी एज अ वो लीज रेंट पे कर रही है उस एसेट का। तो ये हो गया सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। अब सवाल ये आता है कि भाई ये जो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है इसकी अकाउंटिंग किस तरह से करी जाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको तो बस ये देखना है कि ये जो लीज बैक एसेट है, ये जो लीज बैक एसेट है कि फाइनेंसिंग लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है, ये फाइनेंसिंग लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंसिंग लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। भाई देखो ऐसा है कि अपन जो है पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, मेरा काम है कि आपको एग्जाम में 5 में से 5 नंबर दिलवाना। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है बहुत डीप में, आपको कौन सा समझने, तो यूट्यूब पे अंधा मटेरियल पढ़ा है, आप उसमें जाकर समझो। मैं आपको एकदम पूरा पॉइंट बताऊंगा जो आपको एग्जाम में 5 में से 5 दिलाएगी। आपको तो बस ये देखना है कि सेल एंड लीज बैक जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर ये जो लीज बैक ट्रांजेक्शन हुआ है, ये फाइनेंसिंग लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। अगर ये फाइनेंसिंग लीज है तो आपको तो बस कैरिंग वैल्यू और सेल प्राइस को कंपेयर करना है, आपकी कैरिंग वैल्यू और सेल प्राइस को कंपेयर करना है। मतलब नोरा फतेही की बुक्स में, नोरा फतेही की बुक्स में, नोरा की बुक्स में कैरिंग वैल्यू क्या आ रही थी और नोरा ने उस एसेट को कितने बेचा, नोरा ने उस एसेट को कितने पे सेल करा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहां जाओगे आप, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको जो है आप अमोर्टाइज कर दोगे ओवर द लीज टर्म। इतनी सी बात ध्यान रखना कि भाई अगर सेल लीज में ट्रांजेक्शन है और जो लीज हुआ है वो फाइनेंस लीज है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो भी कैरिंग वैल्यू और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो आप अमोर्टाइज कर दोगे ओवर द लीज टर्म। अगर ऑपरेटिंग लीज है, अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो क्या करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा इस पे क्वेश्चंस बनाता है। तो अगर ऑपरेटिंग लीज है तो आपको क्या करना है, वो अभी मैं आपको एकदम समझा देता हूं। अभी मैं जो है आपको इलस्ट्रेशन 3 करा देता हूं, इसमें आपको जो है पूरा पूरा सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग लीज का मामला समझ में आ जाएगा। ये देखो, ए लिमिटेड मशीन बेची, बी लिमिटेड को जिसकी कैरिंग वैल्यू थी 40 लाख की बेची, 50 लाख बेची, 10 से मशीन वाज लीज बैक बाय लिमिटेड टू लिमिटेड। लीज बैक क्या है, ऑपरेटिंग लीज है, मतलब ये सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है और इसमें जो ऑपरेटिंग लीज है आपको क्या करना है वो बस आपको बता देता हूं। ये प्रोसेस फॉलो करो, पूरा पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेल प्राइस 50 लाख बेची इक्वल टू द फेयर वैल्यू। अब सबसे पहले लिखो कैरिंग वैल्यू कितनी रखी, 40, सही बस कितनी रखी, 50। पहले किस में फेवर कितनी 50, सबसे पहले काम आपको करना है कैरिंग वैल्यू को फेवर से कंपेयर करो, कैरिंग वैल्यू कितनी 40, फेवर कितनी 50। स्टूडेंट्स का कांसेप्ट ये कहता है कि आप अपनी बुक्स में जो है प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, अगर कोई लॉस है तो लॉस का प्रोविजन बनाओगे। तो आपने अपनी बुक्स में कैरिंग वैल्यू दिखाई 40 और फेवर कितनी रखी, 50 की रखी है, कैरिंग वैल्यू दिखा रही है 40 और फेवर कितनी रखी है, 50 की रखी है। तो आप जो है प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे क्या, नहीं रिकॉग्नाइज करोगे। तो आपकी क्या आती है, रिवाइज कैरिंग वैल्यू निकल के आती है 40, तो आपकी जो है कैरिंग वैल्यू 40 रहेगी। अब इस रिवाइज कैरिंग वैल्यू को आपको कंपेयर करना है सेल प्राइस से, अब सेल प्राइस की 50 की। तो सबसे पहले काम आपने करा कि कैरिंग वैल्यू को फेवर से कंपेयर करा 40 और 50। आपने देखा कि भाई कैरिंग वैल्यू जो है फेवर से कम है, तो आपकी रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितनी 40 आ गई। इस रिवाइज कैरिंग वैल्यू को आपको कंपेयर करना है सेल प्राइस से, तो आपने रिवाइज कैरिंग वैल्यू की 40 सेल प्राइस की 50। एक और स्टेप करोगे कि भाई सेल प्राइस क्या फेवर से ज्यादा है, कुछ मान लगाना, सेलिंग प्राइस क्या फेवर से ज्यादा है, आप पूछोगे कि भाई सेलिंग प्राइस क्या फेवर से ज्यादा है, नहीं, अगर आंसर निकल के आता नहीं तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आप जाओगे पीएनएल में डायरेक्ट ले जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप बताओ कि भाई कैरिंग वैल्यू आपकी 40 आपने बेचा 50 पे, कितना प्रॉफिट हुआ, 10 प्रॉफिट हुआ, कहां जाओगे पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। ये देखो सेल प्राइस की 50 व्हिच इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू, ये मेरे क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा प्रॉफिट ऑफ 10 लेकिन इसको काट दो। आप बताओ क्या क्वेश्चन में सॉल्व करोगे, तो आप लिखोगे कि भाई सेलिंग प्राइस कितनी रखी है, कैरिंग वैल्यू 40 की रखी है, फेयर वैल्यू देखिए 50 की, तो ये मेरे क्या करेगा, उसका प्रॉफिट निकालेगा अपनी बुक्स में। केस 1 सॉल्व हो गया क्या, देखो केस 1 मैंने सॉल्व करा दिया। केस 2 पे आ जाओ, फेयर वैल्यू कितनी रखी है, 60 की, वापस आ जाते हैं अपने इधर। देखो कैरिंग वैल्यू थी हमारी 40, सेलिंग प्राइस थी 50, फेयर वैल्यू कितनी रखी है, 60 की। सबसे पहले काम क्या करोगे, कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करोगे फेयर वैल्यू से, कैरिंग वैल्यू कितनी 40, फेयर वैल्यू कितनी 60, क्या तो आपकी रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आएगा 40 आएगा, क्योंकि आप अपनी बुक्स में प्रॉफिट नहीं करोगे। रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया 40, फिर एक बॉक्स बनाओगे, इसमें सेलिंग प्राइस लोगे, सेलिंग प्राइस आपकी आ गई 50 की। फिर क्वेश्चन पूछोगे अपने आपसे कि क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है क्या, तो सेलिंग प्राइस कितनी 50, फेयर वैल्यू कितनी 60, तो आगे आंसर नहीं, नहीं आंसर तो क्या करोगे, आंसर जब आपका नहीं आता है तो इनका डिफरेंस पीएनएल में जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओगे, डिफरेंस कितना बनता है 10 का, प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा। तो अभी देखो कि व्हेन द फेयर वैल्यू 60 लाख, देन आल्सो प्रॉफिट ऑफ 10 लाख शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड बाय लिमिटेड। दूसरा केस समझ आता है, वापस समझा देता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप ये है
कि आपको जो है कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है, कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हैं आपकी रिवाइज कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, इसको आपको कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस से, इसको आपको कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस से, और इसको कंपेयर करते समय आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है। अगर आंसर आता है नहीं तो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहां चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। अब तीसरा केस देखना भैया, तीसरा केस देखना, तो आप तीसरा केस देखो क्या समझ आ रहा है आपको, ये देखो फेयर वैल्यू कितनी रखिए 45, सेलिंग प्राइस कितनी रखिए 38, लिखो फेयर वैल्यू दे रखिए 45, सेलिंग प्राइस कितनी रखी 38 और कैरिंग वैल्यू कितनी रखी 40, और लिखा है इसको देखना, कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करो फेयर वैल्यू से, कैरिंग वैल्यू को मैंने कंपेयर करा फेयर वैल्यू से, तो कैरिंग वैल्यू क्या है मेरी 40, फेयर वैल्यू क्या है 45, रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 40, ठीक है, रिवाइज कैरिंग वैल्यू आ गई मेरी 40, 40 को कंपेयर करोगे मैं किससे, सेलिंग प्राइस से, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आ गया मेरा 40, सेलिंग प्राइस कितना रखा 38। अब मुझे एक सवाल पूछा है कि सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, आंसर आया नहीं, तो इन दोनों का डिफरेंस कहां पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। बताओ 40 की एसेट को 40 की कैरिंग अमाउंट आपको 38 बेचा दूर का लॉस कहां रिकॉग्नाइज करोगे, पीएनएल अकाउंट में रिकॉग्नाइज करोगे। भैया देखो कि व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज मशीन इज 45 एंड सेल प्राइस इज 38, द लॉस ऑफ 2 लाख इज टू बी मेड इन कैश बाय इन्वेंटरी एंड स्टॉक अकाउंट। बोलो भाई समझ में आता है क्या, तीन केसेस हमने सॉल्व कर लिए, तीन केसेस हमने सॉल्व कर लिए ए बी और सी। अब आप चलते हैं डी पे, डी में देखो क्या दे रखा है, डी फेयर वैल्यू कितनी दे रखी 40, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी 50 और कैरिंग वैल्यू कितनी दे रखी 40, वही काम करेंगे अपन, कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू से, कैरिंग वैल्यू कितनी 40, फेयर वैल्यू कितनी 40, रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितनी 40, इसको कंपेयर करोगे फेयर वैल्यू से, सॉरी सेलिंग प्राइस से। बॉक्स बनाया, सवाल पूछा कि क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कितनी 50, फेयर वैल्यू कितनी ज्यादा, हां अगर आंसर आता है हां, अगर आंसर आ गया हां, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, इसको कहां ले जाओगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है 10 को कहां ले जाओगे, अमोर्टाइज करोगे, इसको जो है अमोर्टाइज करोगे ओवर द लीज टर्म, ओवर द लीज टर्म, और इसको कितने कितने अमाउंट तक अमोर्टाइज करोगे, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड फेयर वैल्यू, मतलब सेलिंग प्राइस आपकी फेवर से कितना ज्यादा है, 10 रुपए ज्यादा है, और आपका प्रॉफिट कितना है, 10 रुपए, इसको पूरा का पूरा अमाउंट ऐसा दोगे ओवर द लिस्ट। समझा देता हूं आपको, अच्छा कांसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, समझना, हम कर रहे थे डी फेयर वैल्यू हमें दे रखी है कितने की 40 की, सेलिंग प्राइस दे रखा है 50, कैरिंग वैल्यू कितनी दे रखी 40, सबसे पहले कैरिंग वैल्यू को मैंने कंपेयर करा फेयर वैल्यू से, कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करा फेयर वैल्यू से 40 बटा 40, तो मेरी रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितनी आई 40, इसको कंपेयर करा मैंने सेलिंग प्राइस से कितना है 50। अब क्या करूं मैं, सेलिंग प्राइस क्या फेयर वैल्यू से ज्यादा है, क्वेश्चन मार्क लगाया, आंसर आया यस, तो क्या करूंगा मैं, जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस कहां लेके जाऊंगा, डिफरेंस जो है अमोर्टाइज करूंगा, अमोर्टाइज टू द एक्सटेंट, अमोर्टाइज करूंगा टू द एक्सटेंट, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, तो सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कितनी ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कितनी 50, फेयर वैल्यू कितनी 40, तो 50 माइनस 40 10, डिफरेंस कितना आया आपका 10, 10 का पूरा का पूरा कहां जाएगा पीएनएल अकाउंट में, नहीं जाएगा, अमोर्टाइज करोगे इसको आप। अब देखना आप डी, मैंने फेयर वैल्यू 40 लाख, सेल प्राइस 50 लाख, प्रॉफिट ऑफ 10 लाख का करोगे डिफरेंस, अमोर्टाइज होता है बैलेंस शीट, बात समझ में आती है क्या आपको, बोलो हां बात समझ में आती है तो कमेंट लिख देना। हां अब देखते हैं अपन ई केस, देखना भाई ई केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ई केस समझते हैं अपन, ई केस ई ई केस, देखो ई केस रखा है फेयर वैल्यू 40, सेलिंग प्राइस कितनी रखी 50, कैरिंग वैल्यू कितनी रखी 40, सबसे पहले काम करोगे कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करो, कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करो 40 बटा 40, 40 बटा 40, ओके रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, इसको कंपेयर करोगे सेलिंग प्राइस से 50। बोलो भैया समझ में आती है किधर तक बात, सवाल पूछोगे क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, सवाल आता है हां सेलिंग प्राइस से 50, फेयर वैल्यू 40, हां यस, तो इन का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 10, 10 का डिफरेंस कहां ले जाओगे, डिफर करोगे, लेकिन डिफर कितना करेंगे टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस कितनी है 50, फेयर वैल्यू कितनी 40, दोनों का डिफरेंस कितना है 4, 10 का जो डिफरेंस है 10 का तो प्रॉफिट हुआ, इसमें से 4 कहां जाएगा, 4 अमोर्टाइज करोगे बाकी 6 पीएनएल ले जाओगे, बोलो भाई समझ में आता है क्या, देखो भाई मैंने फेयर वैल्यू 40 सेलिंग प्राइस 50, फेयर वैल्यू 40 सेलिंग प्राइस 50, 6 लाख का प्रॉफिट आप मिली कैसे करोगे और 4 लाख का प्रॉफिट अमोर्टाइज करोगे, बोलो भाई समझ में आता है, आपको बता दूं क्या, फेयर वैल्यू रखी 40 सेलिंग प्राइस रखा 50, कैरिंग वैल्यू रखी 40, सबसे पहले आप कैरिंग वैल्यू को किसे कंपेयर करोगे फेयर वैल्यू 40 और 40, तो रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40, सेलिंग प्राइस कितना रखा आपको, बोलो भाई 50, बॉक्स बनाया, सवाल पूछा कि क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, आंसर क्या है, सेलिंग प्राइस कितनी 50, फेयर वैल्यू कितनी 40, तो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 10 का डिफरेंस है, कहां जाएगा, अमोर्टाइज करोगे, कितना अमोर्टाइज करोगे टू द एक्सटेंट, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, कितना है 50 माइनस 40, 4 का आप जो है अमोर्टाइज करोगे बाकी 6 का पीएनएल में कैसे करोगे, बोलो भाई समझ में आता है क्या भाई, ऐसा है कि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में डीपी जाके तो आप यूट्यूब पे समझ सकते हो, लेकिन मेरा काम है कि आपको पूरे मार्क्स लाना और पूरे मार्क्स से आ जाएंगे मेरे भाई, मेरी बहनों इनको याद कर लो, जो मैंने समझाया उसको रट लो, लास्ट दिखाते हैं आपको, देखो भाई फेयर वैल्यू कितनी रखी 35, सेलिंग प्राइस कितनी रखी 39, ये देखो फेयर वैल्यू रखी 35, सेलिंग प्राइस कितनी रखी आपको 39, फेयर वैल्यू रखी 35, सेलिंग प्राइस रखी 39, कैरिंग वैल्यू कितनी 40, देखो भाई सबसे पहले कंपेयर करेंगे कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू से, कैरिंग वैल्यू कितनी है 40, फेयर वैल्यू कितनी है 45, सॉरी 35, अब मुझे ये बताओ कि आपने अपनी किताबों में कैरिंग वैल्यू दिखा रखी 40, अभी फेयर वैल्यू 35, तो स्टूडेंट्स अगर फॉलो करें तो आपको जो है 5 का लॉस सिग्नाइज करना चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 रुपए का लॉस सिग्नाइज करोगे अपनी बुक्स में, रुपीज 5 का लॉस जो है बुक्स में करोगे, तो आपकी रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई 40 थी, उसमें 5 का लॉस सिग्नाइज करा 35, रिवाइज कैरिंग वैल्यू आपकी 35, इसको कंपेयर करोगे इससे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी रखी 39, बॉक्स बनाया, अपने आपसे सवाल पूछा कि क्या सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस 39, फेयर वैल्यू कितनी है 35, दोनों का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, इस 4 का क्या करें हम पीएनएल में जाएं या फिर अमोर्टाइज करें, अमोर्टाइज कहां तक करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड फेयर वैल्यू, कितना डिफरेंस है 4, 4 का ये पूरा कहां जाएगा मेरे भाई, अमोर्टाइज हो जाएगा, बोलो भाई समझ में आता है क्या, बोलो भाई समझ में आता है तो लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट कर दो, देखो जहां पर फेयर वैल्यू 35 है सेलिंग प्राइस जितनी है, पहले 5 के लॉस का पीएनएल में कैसे करोगे, बाकी 4 के प्रॉफिट को जो है अमोर्टाइज करोगे, आपका एएस 19 पूरा का पूरा खत्म हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, तो बोलो भाई समझ में आ गया पूरा, एएस 19 डिजीज।